बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और सबके खानों में और इसमें बरकत अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शवारमा की इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको घर में एक दफ़ा बना के खाएंगे तो बाद में बाहर का शवारमा आप भूल जाएंगे। आप इसको जब भी बनाएंगे घर में ही इंशाल्लाह बना के खाएंगे। ये रेसिपी मरियम परवेज़ की है, मैंने कुछ दिन पहले घर में ट्राई की थी और ये इतनी मज़े की बनी तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। चलें अब इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसके लिए सबसे पहले सैलड रेडी करेंगे। हम एक अदद खीरा लेंगे, उसको ऐसे लंबाई में कट कर लेंगे। इसी तरह एक अदद टमाटर लेकर उसको लंबाई में कट कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर हम उसको लंबाई में कट कर लेंगे। 6 से 7 टेबलस्पून हमें सिरका चाहिए, 1/2 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए और 1 टीस्पून हमें नमक चाहिए। इसमें अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम पहले सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब इसमें हम सिरका ऐड करेंगे, नमक और ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपने बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम शवारमा के लिए सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम 5 टेबलस्पून मायनीज़ ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। चिली गार्लिक सॉस आप नेशनल की ही यूज़ कीजिएगा, इससे शवारमे का टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है। ये भी हम 5 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून हम चिली सॉस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली और इसमें हम 1/2 टीस्पून ही लहसुन यूज़ करेंगे। 3 जवे लेकर आप लहसुन के उसको छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सॉस भी रेडी होगी। चलिए जी अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स शवारमे के 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गए, अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। उसमें हम 1/2 kg बोनलेस चिकन लेंगे, 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें कुटवी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको हम लीड से कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये चिकन गल जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। दरमियान में 1-8 मिनट के बाद एक दो दफ़ा आप इसको हिला दीजिएगा ताकि चिकन नीचे ना लगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम लीड उठा के देखते हैं चिकन किस कंडीशन में है। चिकन ने पानी छोड़ के उसमें गलना स्टार्ट कर दिया है। अब हम पानी के खुश्क होने का वेट करते हैं। जब पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। व्यूअर देखें पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। व्यूअर देखें चिकन भी माशाल्लाह अच्छे से अब भून लिया है। इसमें अब हम बिल्कुल चिकन ड्राई करेंगे। इसमें मिस्टेकनली मुझसे ज़रा ज़्यादा ऑयल ऐड हो गया था, इस वजह से इसमें ऑयल नज़र आ रहा है। अब मैं ऑयल के बगैर सिर्फ इन चिकन पीसीस को निकालूंगी फ्राइंग पैन में से। व्यूअर्स अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में शवारमा ब्रेड लेंगे और उसको हम लो फ्लेम पर इसमें अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप टिश्यू के साथ इसको प्रेस करके गर्म करेंगे तो ये रोल करते हुए टूटेगी नहीं। इसी तरह हम अपनी सारी शवारमा ब्रेड्स रेडी कर लेंगे। व्यूअर्स हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, अब हम शवारमा ब्रेड लेंगे। उसके ऊपर हम सबसे पहले ये सॉस लगाएंगे। ये मैंने जितनी भी सर्विंग बताई है ये 5 शवारमा ब्रेड्स की है। आप लोग अगर ज़्यादा शवारमे बनाना चाहते हैं तो क्वान्टिटी उसी हिसाब से डबल करते जाएँ। अब हम इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और ये चिकन। अब हम इसको रोल करते हैं। सबसे पहले हम शवारमे को रोल करेंगे, फिर इसको ऐसे एक कोने में रखकर यहाँ से हम डबल कर देंगे। देखिए व्यूअर्स एक शवारमा रेडी हो चुका है, ऐसे ही हम अपने सारे शवारमे रेडी कर लेंगे। हमारे सारे शवारमे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। आप इन शवारमों को 2 तरीकों से सर्व कर सकते हैं, रोल करके भी सर्व कर सकते हैं और प्लेटर की सूरत में भी सर्व कर सकते हैं। जैसे भी आप खाना चाहें या सर्व करना चाहें वैसे ही आप इसको सर्व करें और इन्जॉय करें।
मुझे पूरा यकीन है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाते और खाते ही रहेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे चैनल को भी शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।